तो दोस्तों आज हम निखिल से कुछ पूछने वाले हैं। निखिल बताइए आपके पापा जी की कितने रुपए कमाते हैं आपके पापा जी? 3,000। अच्छा, आपके घर में फिर तो बहुत मुश्किल होता होगा आपका खर्चा चलाना। बताइए आपको क्या क्या परेशानी आती है, बताइए निखिल। पेरेंट्स, हमारे घर में बहुत परेशानी आती है। मम्मी पापा ढंग से घर के घर का खर्चा भी नहीं चला पाते, और मम्मी पापा मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, पैसे नहीं कमा पाते, फिर भी मेरे मम्मी पापा मेरे लिए हर कुछ ज़रूरत करते हैं पूरी, और मुझे कपड़े दिलाते हैं नए नए, और मैं कहता हूँ बदलाते हैं। और सोनम दीदी का नया घर मुझे बहुत अच्छा लगता है, सोनम दीदी मुझे कपड़े दिलाती हैं, और सोनम दीदी वन मुझे खाना खिला देती हैं और दूसरी भी पिलाती हैं, और हम कदम जाते हैं तो भूख लगती है तो कुरकुरे खिला देती हैं। सोनम दीदी भी घर का ही है। हमारी मम्मी पे पैसे नहीं, फिर भी मेरे लिए कपड़े दिलाते हैं नए नए, और मम्मी के पास साड़ी नहीं है फिर भी मुझे दिला दी है, और हमारे पास तो गैस भी नहीं है, चूल्हा ही है, और हमारे पास तो पंखा भी नहीं है। मैं मम्मी पापा से कहता हूँ वो किसी चीज़ के भी लाने मना नहीं करते, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। हेलो पेरेंट्स, हम लोग बहुत गरीब हैं, कम के दिन हम जाएंगे, हमारा घर बताएंगे, मम्मी पापा से ही मिलवाऊंगा और घर भी बताऊंगा, तब तक के लिए बाय। सो देखा दोस्तों आपने निखिल की कहानी, निखिल की जुबानी। जैसा कि निखिल ने बताया था उसके घर में दोस्तों कूलर भी नहीं है ऐसी गर्मियों में। दोस्तों निखिल, तुम्हारी छत भी नहीं डल रही, शायद टीन चढ़ रहा है ना? तो देखिए दोस्तों, बिना मतलब कूलर के टीन में रहना कितनी डिफिकल्ट होता है। तो हम आपको जल्दी ही निखिल का घर दिखाएंगे, जहाँ पर आपको निखिल का घर देखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको निखिल बताएगा निखिल के घर में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर निखिल और मैं बैठे हुए हैं। निखिल ने एक वीडियो कंप्लीट कर दी है अभी तक एडिटिंग। निखिल, आपने कौन सी वीडियो एडिटिंग की है अभी? जादुई बैग। हाँ, सो जादुई बैग वीडियो है, बहुत ही शानदार वीडियो है, आपको देखकर बहुत मजा आएगा। इस वीडियो को देखना मत भूलना। और अभी हम बंदना का रोल आने वाला है, सो आप देख सकते हैं पीछे बंदना तैयार हो रही है, नेल पॉलिश वगैरह लगा रही। तो गाइस, वीडियो में नेल पॉलिश भी लगाना, मतलब नेल पॉलिश भी देखता है, देख लो निखिल यार कैसे कैसे लोग भरे भरे पड़े पड़े दुनिया में है ना। देखो पेरेंट्स, ये रही बंदना दीदी। हाँ, और मम्मी बैठी है कि वंदना कब फ्री हो और कब हम लोग शूटिंग करना चालू करें, क्यों निखिल? हाँ, सो वंदना यार फ्री जल्दी हो जाना ताकि हम अपनी शूटिंग करना चालू करें। क्या रो मत बेटी, कौन है कौन है कौन है कौन है? मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ। कौन है कौन है कौन है कौन है? बेटा मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ, तुम रो क्यों रही हो बेटा? अरे यार, शुद्ध पुरुष, शुद्ध पुरुष क्या देखा मैंने? सिद्ध पुरुष, क्योंकि तुम एक बाबा हो, तुम्हारे हर एक शब्द में सही निकल निकलते हैं। सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष, रेडी रेडी, कौन है कौन है कौन है? बेटा मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ, रो क्यों रही हो बेटा? मेरा बैग फट गया और मैं इस जंगल में आकर भटक गई हूँ। अच्छा, तो इतनी सी बात है? मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा बेटा, रो मत। मैं स्कूल भी नहीं जा पा रही। अरे यार, कौन है कौन है कौन है? बेटा मैं सिद्ध पुरुष। अरे यार, निखिल जल्दी है, देर मत करो। किसी की बात ही नहीं मान रहा, रोल करने के लिए तैयार भी नहीं है। ये दीदी गई है, पागल, ये दीदी गई है उसकी उसकी पिटाई करते हुए ना। निखिल जल्दी आ यार, तेरी वजह से। क्या कैसा प्रॉमिस? प्रॉमिस यार, तेरे दूर आके पागल मुझे जलाएंगी ना दीदी, कितनी जोर से जलाएंगी, जलाएंगी ना, प्रॉमिस करो। पहले वीडियो कंप्लीट करवा दे, फिर उसके बाद मस्ती करेंगे। निकल, बात की नहीं मानता, सुनाई नहीं आ रही कि दिमाग नहीं है तेरे पास? हां चल, करो मत करो लियो। निकल यार, चल नाटक मत करो। दीपक खड़ा है, दोनों कैमरा लेके बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, चल जल्दी वीडियो बनवाने। आज नहीं बनवा रही, मां से नहीं बनवा रही, चल जा, लंगड़ा मत भरिया। फ्रेंड्स, अभी मैं ना छत पर बैठी हुई हूँ, यहाँ पे हम लोगों की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज हर्षिता नहीं आई है क्योंकि हर्षिता को फीवर बुखार आ गया है, और अंजलि गुना गई हुई है, निम्मी की तबीयत ख़राब है, नैना कोचिंग में है, निखिल भी घर पे चला गया।
सो आज शूटिंग कैंसिल फाइनली, मतलब छोटी सी बना ली है हमने वंदना के साथ मिलके, मम्मी के साथ मिलके, निखिल था लेकिन अभी वो घर पे चला गया है। सो आई होप हर्षिता की तबीयत जल्दी अच्छी हो जाए, क्योंकि हर्षिता के बिना तो हमको मज़ा ही नहीं आता। हर्षिता मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग करती है और बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा लोग घर पे होते हैं तो हंसी मजाक मस्ती सब कुछ चलता रहता है। सो अभी जस्ट शूटिंग करके निपटे हुए थे और मैंने अभी कुछ भी जस्ट ड्रेसिंग चेंज कर लिया है और छत पे बस ऐसे ही टहलने आई थी मैं, और मम्मी खाना बना रही हैं। अब नीचे जाके मैं उनको खाना में हेल्प करवाऊंगी। आज मम्मी हर्षिता की फेवरेट सब्जी बना रही हैं, कढ़ी की भिंडी, और मेरी भी फेवरेट है कढ़ी, मुझे बहुत पसंद है कढ़ी। और गाँव का माहौल दोस्तों इतना अच्छा लगता है यहाँ पर। पहले मैं जब शहर में रहती थी मैं सोचती थी गांव में अच्छा नहीं लगता है, बट गांव में रह के मैंने ये जाना कि गांव की लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, शहर से कई गुना अच्छी होती है, सुकून भरी होती है, बहुत रस होता है। शहर में भागम भाग मची रहती है और हम लोग छोटे छोटे से गांव भी जाना हमने चालू किया है, जैसे कि आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा वहाँ पे। तो गांव में यार दोस्तों वहाँ पे देखने को मिलता है, गांव में मैंने देखा है, मतलब आपको सारे लोग, अधिकतर सारे पुअर पुअर लोग ही मिलेंगे, बहुत गरीब गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे, जिनकी फैमिली कंडीशंस बहुत बुरी होती है। ऐसे ऐसे घर देखे हैं दोस्तों मैंने वहाँ पे गाँव में जाके, जिनके घर में कुछ भी नहीं होता है, जैसा हम वीडियो में बनाते हैं वहाँ पे हमको सच्चाई देखने मिलती है लोगों की, कि उनके घर में गैस नहीं होता है, चूल्हे पे खाना बनाते हैं, बर्तन नहीं होते हैं और कच्चे घर होते हैं, यहाँ तक कि ईंट सीमेंट के घर भी नहीं होते, बस मिट्टी के घर होते हैं, झोंपड़ी होती है। सो यार दोस्तों आप शहर में रह के आपने बस शहर के ही घर देखे होंगे, या गांव की लाइफ भी कभी आपको देखने का मौका मिले, रहने का मौका मिले, तो आप ट्राई कीजिए, यू विल लर्न समथिंग न्यू। लाइक लोग तो बस सिटीज़ घूमने चाहते हैं, कोई भी क्यों मतलब किसी ने गांव में घूमने की जगह नहीं बनाई यार। बड़ी बड़ी जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं यार सब शहरों में ही होती हैं, गांव में भी होना चाहिए ताकि लोगों को गांव में आने का मौका मिले। सो दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि गांव में भी कोई ऐसी जगह होना चाहिए, मतलब छोटे छोटे से गाँव जहाँ पर बहुत पुअर पीपल रहते हैं वहाँ पर आकर देख सके गाँव में। पता नहीं कौन हॉर्न बजाने लग रहा है बार बार, ढंग से बात भी नहीं करने देता, बट एनीवेज दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दोस्तों आज के हमारे इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और दोस्तों बताना आपको इस ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा, और दोस्तों हम आई होप हर्षिता की जल्दी से तबीयत अच्छी हो जाए। Harshita is so cute and Anjali too, every team is very cute. So thanks again guys, see you soon in the next vlog, till now bye.